सुपरहिट ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त इस हफ्ते आ रही है। इस ड्रामे में महविश का किरदार हकीकत से कितना ही दूर क्यों ना हो, मगर हम उसके किरदार से कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हम सब की जिंदगी को आसान बना सकती हैं। इससे पहले कि हम आपको वो बातें बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में महविश और शाहवार की, बज़ाहिर आपको लगता होगा कि महविश को अपने शौहर दानिश से बेवफाई की सज़ा मिल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन और रिश्तों को पामाल करते हैं, जब आप अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों को तोड़कर खुद उन्हें तशकील देने की कोशिश करते हैं, जब आप रिज्क मालो दौलत और शानो शौकत की तकसीम से मुतल्लिक अपने रब के फैसले से इख्तलाफ करने की नापाक जसारत करते हैं, तो वह रब आपको दुनिया और आखिरत में जलील वखार कर देता है। सूरह मोमिनून की आयात 55-56 में फरमाया गया, क्या वो गुमान करते हैं कि हमने जो उन्हें मालो औलाद अता की है इसलिए है कि उन पर अच्छाइयों के दरवाजे खोल दिए हैं? ऐसा नहीं है, वो इस बात को नहीं समझते। नाज़रीन, जब आप किसी के खुलूस को ना पहचाने, जब आप किसी की मोहब्बत की लाज ना रखें, जब आप किसी अपने एहसास करने वाले के एहसास को उसकी कमजोरी या मजबूरी समझ लें, जब आप किसी कनात और सब्र शुक्र को उसकी गुरबत और मोहताजी समझें, जब आप किसी की ईमानदारी और सच्चाई को गुरबत और नकम्मापन समझें, जब आप अपनी खूबसूरती जवानी और हुस्न जमाल को अपना कमाल और अपना फन समझें, जब आप अपने हुस्न जमाल और खूबसूरती को कैश करवाना चाहें, जब आप रिश्तों की लाज ना रखें और उनको पामाल करके रौंद कर चले जाएं, जब आप रिश्तों को कमजोर और हकीर समझें, जब आपकी हिरस और हवस आप पर गालिब आ जाए, जब आप अपने मजाजी खुदा से बेवफाई और धोखा करें, जब आपको आपकी ममता ममता ना लगे, जब आप शुक्र सब्र के आंचल से आज़ाद हो जाएं, जब आपका अपने रिश्तों पर भरोसा न रहे, जब आपकी आंखों पर लालच और हिर्स की पट्टी बंध जाए, जब आपके लिए मालो दौलत शानो शौकत जाहो जलाल ही सब कुछ हो, तो बेशक वही होता है जो मेरे पास तुम हो में महविश और शहवार अहमद के साथ हुआ है।